सुशील मोदी को नीतीश जी से बात हुआ होगा तभी प्रिडिक्ट कर रहे हैं। नीतीश जी से सुशील मोदी का बहुत नजदीकी रिश्ता रहा होगा, तो नीतीश जी का बात भी सुशील मोदी जान रहे हैं। सर, इंडिया की बैठक के बाद कहा जा रहा है कि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है आप लोग में। ऑल इज वेल जो कर रहे हैं वो ज्योतिष नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें आपको कि 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और इस बैठक में इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि ललन सिंह को जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया जाएगा। और यह सवाल आज उन्हीं से पूछा भी गया कि आखिरकार इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि ललन सिंह को जो है वो आपको जो है पद से हटाया जाएगा, इस तरह की बातें हो रही है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक क्या होती है और क्या आपसे परामर्श लेके काम किया जाएगा, तो जब बैठक होगी तो आपसे परामर्श ले लिया जाएगा। जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस तरीके से जवाब दिया है और जो सवाल सुशील कुमार मोदी ने खड़े किए थे उसका उन्होंने पूरा जो है वो जवाब दिया है और सीधे तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार से जो है उनकी बातचीत हुई होगी, इस वजह से उनको जानकारी है। लेकिन ललन सिंह को जो पद से हटाने की बात हो रही है तो इसको लेकर उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया है आप खुद सुन रहे हैं कि आपको कार्रवाई हो सकती है। सुशील मोदी को नीतीश जी से बात हुआ होगा तभी प्रिडिक्ट कर रहे हैं। नीतीश जी से सुशील मोदी का बहुत नजदीकी रिश्ता रहा होगा, तो नीतीश जी का बात भी सुशील मोदी जान रहे हैं। सर, इंडिया की बैठक के बाद कहा जा रहा है कि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है आप लोग में। ऑल इज वेल जो कर रहे हैं वो ज्योतिष नहीं है। इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल और निर्णय हुआ है कि 3 सप्ताह में सभी राज्यों में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। उनके बिलाई के भाग से छिक्का नहीं टूटने वाला। गिरिराज सिंह तो बोल रहे हैं कि पार्टी का पार्ट जेडी में विलय हो जाएगा। अरे गिरिराज सिंह को छोड़िए ना, गिरिराज सिंह का अपना टीआरपी रहता है, गिरिराज सिंह अपने टीआरपी पर चलते रहते हैं, कुछ बोलना है इसलिए बोलते रहते हैं। गिरिराज सिंह कहते हैं कि झटका और क्या हलाल, अपने 2.5 किलो मीट खाते थे, तो 2.5 किलो मीट जो खाते थे वो कहाँ से लाते थे, झटका वाला कि हाँ बाजारे से मंगवाते थे। तो गिरिराज सिंह का टीआरपी है, कुछ बोलते रहते हैं, उनकी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेना। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सर ममता बनर्जी ने आगे किया था, क्या इसको कुछ पता नहीं है? आपको मालूम होगा कि किसने आगे किया था, आपसे बात हुई होगी ममता बनर्जी, हम लोग तो नहीं जानते, क्योंकि जो फैसला अगर होता तो आपको बताया जाता, तो ऐसा कुछ फैसला तो हुआ नहीं। तो अब ममता बनर्जी अगर स्पेशली आपसे बात की होंगी तो वो आपको बताएंगे। बीजेपी की कल दिल्ली में बैठक हुई, मोदी जी बोल रहे हैं 50% उनका मनोबल हाई है, इसीलिए ना लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, पूरा लोकतंत्र का धज्जी उड़ा दिए। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष। विपक्ष मांग कर रहा है कि भाई संसद में जो 2 व्यक्ति अनधिकृत रूप से घुसे उसके बारे में देश के माननीय गृह मंत्री जी सदन में आके जवाब दें। देश के गृह मंत्री उसी सदन के सदस्य भी हैं। लोकतंत्र में सरकार सदन के और के प्रति उत्तरदायी होता है। उनको लोकसभा में आके बयान देने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी कि भाई हम इतना बड़ा आदमी है, लोकसभा में जाके कैसे बयान दे, इसलिए अहमदाबाद से बयान दे रहे थे। लेकिन लोकसभा में आना उनको गवारा नहीं है। और विपक्ष जब मांग करेगा तो विपक्ष के 150 सांसदों को बाहर निकाल दीजिए, यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की उनकी परिभाषा है। तो अब उनके लोकतंत्र की परिभाषा है तो क्या करेगा, ये सब मन जो बढ़ा है उसी का ना कारण है। लेकिन इस देश की जनता लोकतंत्र प्रेमी, इस देश की जनता लोकतंत्र में विश्वास करती है, तानाशाही में विश्वास नहीं करती है, और ये लोग तानाशाही रवैया अपना रहे। पीएम बोल रहे हैं, पीएम तो कुछ भी बोलना है, जब अपने ही बोलना है, अपने ही पीठ थपथपाना है, अपने ही ताली बजवाना है, तब उसका क्या जवाब है, उसका तो कोई जवाब है नहीं। सर, 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, बीजेपी कह रही है कि इस बार ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने जा रहे। पता नहीं आपको बात हुई है क्या, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या होता है, आपसे बात हुई है, आपसे डिस्कस कर लेंगे क्या करना है, आप बताइए क्या करना है, आप परामर्श दीजिए कि क्या करना है, आप ही से डिस्कस कर लेते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या होगा। ठीक।